हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक प्लाजो बनाना सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया है एंड अब हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, लेंथ वाइज के ले लिया है। अब हम फोल्डेड साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ मेजर करेंगे। तो मेरी लेंथ है 36 इंच, बट हम 2 इंच ऊपर के लिए इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो 2 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो है वो मैं 2 इंच यहाँ पर एक मार्क कर देती हूँ एंड यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये 2 इंच हमें पूरी लेंथ में ऐड नहीं करना है, ये 2 इंच छोड़ना है हमें, क्योंकि ये इलास्टिक में मुड़ जाएगा इसलिए। तो ये सेंटर से भी मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। एंड ये 2 इंच हमें इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंथ लेंगे, तो हमारी टोटल लेंथ है 36 इंच। तो यहाँ से टोटल जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हम नीचे की तरफ 36 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 36 इंच, तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं ऐड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है, यानी कि मैंने 37 इंच पर मार्क कर दिया है। 1 इंच हम नीचे के बॉटम को फोल्ड करने के लिए लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने सेंटर से भी 36 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूंगी। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हिप राउंड लेंगे। हिप है हमारी 36 इंच, हम उसमें 4 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, हो गया 40 इंच, एंड 40 का 1/4 करेंगे तो हो गया 10 इंच। तो 10 इंच पर मैं यहाँ पर एक मार्क करूँगी। स्क्रीन पर आपको मेजरमेंट्स दिखा दूँगी मैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और यहाँ से आसन में ले रही हूँ 11 इंच। तो आसन का भी किस तरह से लेना है वो भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है। इस तरह से हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। फ्रंट की तरफ हम 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे आसन का शेप देने के लिए, और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना है आपको, इसी तरह से दे देना है। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो ये आप पूरा फैब्रिक यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट प्लाजो में बनाना है तो आप जहाँ से हमने आसन लिया है वहाँ से स्ट्रेट लाइन आप नीचे की तरफ खींच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा घेर रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसे राउंड में ले लिया है। अब हमारी मार्किंग जो है वो हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको कर्व शेप देना है ताकि इसके कोन ना निकल आए साइड में। तो यहाँ तक की हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक कटिंग करेंगे यहाँ से, एंड आसन कट करके जो यहाँ से लेकर ऊपर तक हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 पीस आएंगे इस तरह से, एक फ्रंट का एंड बैक का। अब हम यहाँ पर आसन अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में 1/2 इंच की मार्जिन से हमें सिलाई लगा देनी है, यानी कि ये आसन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई जो है वो लगा दी है इस तरह से, दोनों साइड में 1/2 इंच की मार्जिन से। अब जो सिलाई वाली साइड है वो हम सेंटर में कर देंगे इस तरह से। तो अब हमने इसे सेंटर में कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर का बॉटम होगा वो हम सिल देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बॉटम में आपको 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देना है इस तरह से, एंड यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए सेंटर से पहले आपको क्या करना है, प्रॉपरली इसे सेट कर लेना है अच्छी तरह से, एंड फिर एक पैर से दूसरे पैर तक आपको इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ से लेकर आपको क्या करना है, पूरा राउंड, फिर ये सेंटर में यहाँ पर, और यहाँ से लेकर नीचे तक आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको सिलाई कंप्लीट कर देने के बाद जहाँ पर हमारा बॉटम आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर आप एक इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके इसकी भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर लेना है। देन ये प्लाजो जो है वो थोड़ा इस तरह से रेडी होता हुआ आपको दिखने लगेगा। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा दी, नीचे की फिनिशिंग भी कर दी, यानी इसे हमने सीधी साइड को इस तरह से टर्न कर लिया है। अब हमारी सिर्फ ऊपर की पट्टी रह गई है जिसे हमने अभी ले लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक 1/2 फोल्ड करना है, फिर हमें 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करना है, एंड पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी जगह छोड़नी है जहाँ से हम इलास्टिक डाल सकें, देन ये प्लाजो जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। अब मैं इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ।